फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपका ये जो मैसेज, आपके फोन में जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो आपका ये छोटा सा पेज आता है, इसमें देखिए सर्कल के अंदर आई बटन बना हुआ है ना कोने में, इसे टैप करना है। तो आपका ये ऐप इन्फो का पेज आएगा, इसमें भी आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर भी आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज आप ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।